काफ़ी मॉडरेट था, 50% से 60% क्वेश्चन बनने लायक था, मैंने जो विषय से तैयारी किया था, बाकी 40% थ्योरी से बना। 3 पास्कल का नियम इजी क्वेश्चन था, बीटो पावर से भी था, एक जो है यानी जल से राष्ट्रपति थे उस समय बीटो पावर लगाया गया था ना, उस समय पूछा था, और कैप्सूल का एरिया पूछा मैथ में, एक प्रॉफिट लॉस से था, एरिया पूछा था कैप्सूल का एरिया पूछा था, उसे त्रिज्या दिया था, मैं व्यास दिया था 6 सेंटीमीटर और उसका लंबाई दिया था 16 सेंटीमीटर, एरिया पूछा था। क्वेश्चन सब क्वेश्चन मिक्स था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मतलब अच्छे से क्वेश्चन गया है, ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें से, ठीक है, और पेपर तो बहुत अच्छा गया, ठीक है, जैसे पिछली बार की तरह आपकी बारी अच्छा खासा पेपर आया है, ठीक है, और अनुशासन भी आपकी बारी बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है, शासन टाइट था इसलिए दिक्कत नहीं, मतलब पेपर नहीं लीक होगा, हर व्यवस्था मतलब चेक करके तब अंदर सबको जाने दे रहे थे। ऐसे होना तो नहीं चाहिए, जैसा इस बार व्यवस्था है, बहुत चेकिंग भी हुआ है अंदर में, इस बार तो होना नहीं चाहिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। सिपाही भर्ती परीक्षा का आज बता दे आपको दूसरा दिन है, 12 बजे से 2 बजे तक परीक्षा हुई थी और अभी परीक्षा देके निकल रहे, कैसी गई परीक्षा, किस तरीके के क्वेश्चन थे, सही थे या? सब सही थे, सिलेबस से क्वेश्चन था। हाँ। कोई हार्ड नहीं था, नॉर्मल क्वेश्चन कैसे थे, मॉडरेट टू इजी या फिर मॉडरेट टू इजी थे, दोनों मिला थे। कैसी तैयारी कैसे की थी, पिछले साल तो पेपर लीक हो गया था। हाँ, पेपर तो लीक हो गया था, वो बुरा हुआ था। हाँ। इस बार सही है, इस बार सही है, सही है। तो देखिए काफी बच्चे भी आ रहे सीधे जुड़ते, कैसी गई है परीक्षा? हमारा नहीं था। परीक्षा कैसी गई है? अच्छा गया। कैसी गई मैम परीक्षा? बढ़िया गया। कैसा क्वेश्चन था? क्या कह रही हैं? कैसा क्वेश्चन था, इजी था? क्वेश्चन सब क्वेश्चन मिक्स था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो मतलब अच्छे से क्वेश्चन गया है, ठीक है, अगर नहीं पढ़े हैं तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे उसमें से, ठीक है, और पेपर तो बहुत अच्छा गया, ठीक है। पिछली बार लीक हो गई थी, क्या लग रहा है? लीक हो गया था, लेकिन जैसे पिछली बार की तरह आपकी बारी अच्छा खासा पेपर आया है, ठीक है, और अनुशासन भी आपकी बारी बहुत ज्यादा टाइट है, ठीक है। हाँ, कैसी गई है परीक्षा? बढ़िया गया। बन जाएंगे एकदम। इस बार तेजस्वी जी, नीतीश कुमार पिछली बार जब थे तो पेपर लीक हो गया, इस बार तो एनडीए की सरकार नहीं, इस बार मतलब शासन टाइट था इसलिए दिक्कत नहीं, मतलब पेपर नहीं लीक होगा, हर व्यवस्था मतलब चेक करके तब अंदर सबको जाने दे रहे थे। तो देखिए लगातार बच्चे आ रहे हैं और आपको बता देते हैं, पूछेंगे कैसी गई परीक्षा सर? कैसा था? ठीक था। तो देखिए काफी स्टूडेंट्स है जो आ रहे एग्जाम देके, इनसे सबसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब देखिए तस्वीर के माध्यम से कैसी गई परीक्षा? बहुत अच्छा गया है पेपर। हाँ, तो आज बारिश भी काफी हो रही थी, आने में सेंटर में कोई दिक्कत हुई? हाँ, सेंटर बहुत दिक्कत तो बहुत हुआ यहाँ पे, वो बैग का भी व्यवस्था नहीं था रखने वगैरह। अच्छा। सब तो थोड़ा दिक्कत हुआ है बहुत ज्यादा। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी एनडीए है बिहार में, पेपर लीक होगा? ऐसे होना तो नहीं चाहिए, जैसा इस बार व्यवस्था है, बहुत चेकिंग भी हुआ है अंदर में, इस बार तो होना नहीं चाहिए। अब जब जानबे करती है बिहार का, तो हमेशा होता ही रहता है, इसका तो कुछ नहीं कर सकते हम लोग। तैयारी कैसे की थी आपने, पिछले साल पेपर लीक हो गया था, इस साल क्या? पिछले बार मेरा सिलेक्शन हुआ था, हम फिजिकल में जाके छट गए थे, तो इस बार फिर से अटेम्प्ट किए हैं। अच्छा, पेपर लीक से कितने परेशान हैं आप? बहुत ज्यादा परेशान है, इतना दूर आते हैं एग्जाम देने, फिर पेपर घर जाते जाते पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है, फिर कहीं तक। देखिए काफी स्टूडेंट्स जो है एग्जाम दे के आ रहे हैं, हम सबसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। तौर पे आप देखिए सारे लोग जो है एग्जाम दे के आ रहे हैं, पूछते हैं इनसे परीक्षा कैसी थी? अच्छी गई। कैसी थी? एक नंबर। तो देखिए एएन कॉलेज के बाहर मौजूद है और सीधे तौर पे अभ्यर्थी से जानने की कोशिश की है कि परीक्षा कैसी गई है। यहाँ पे कुछ लोग आ रहे हैं, एग्जाम दिया है क्या आपने? नहीं नहीं, मेरा भाई का था। अच्छा, आप लेके आए हैं, क्या लग रहा है आपको? भी उम्मीद है इस बार सब कुछ सही रहेगा, क्या इस बार भी पेपर लीक हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बार बार पेपर थोड़ी लीक होगा, एक बार हो गया है पेपर, इस बार बढ़िया गया है। हालांकि पिछले भाई लोग से पूछे हैं, पिछले एग्जाम से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आया है इस बार। हाँ। तो अभी भाई निकलेगा तो बताएगा, अभी दोस्त लोग से भी पूछे हैं, ये लोग बताए अनुसार था जो पिछले पैटर्न था, इसमें क्या पूछा था, बिहार का प्रथम विधान परिषद के अध्यक्ष पूछा था। हाँ। जो 3 पास्कल का नियम इजी क्वेश्चन था, बीटो पावर से भी था, एक जो है यानी जल से राष्ट्रपति थे, उस समय बीटो पावर लगाया गया था ना, उस समय पूछा था, और कैप्सूल का एरिया पूछा मैथ में, एक प्रॉफिट लॉस से था, एरिया पूछा था कैप्सूल का एरिया पूछा था, उसे त्रिज्या दिया था, मैं व्यास दिया था 6 सेंटीमीटर और उसका लंबाई दिया था 16 सेंटीमीटर, एरिया पूछा था, क्वेश्चन ठीक ठाक था, बिहार जी के ज्यादा था। ये बताइए मुझे कि पिछली बार तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार थी और इस बार एनडीए की सरकार है, नीतीश जी बीजेपी के साथ है, क्या लग रहा है बीजेपी के राज में पेपर लीक नहीं होगा? ऐसा बात नहीं है, पेपर लीक होने वाला तो ऊपर का सरकार है, ऊपर का सरकार है, केंद्र की सरकार है नहीं, कुछ सब सम्मिलित हैं इस बार। बिहार में तो हमेशा चलता है, पेपर लीक होता ही रहता है, इस बार की तरह पेपर लीक नहीं हुआ है।
सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं। क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था। हाँ, इजी टू मॉडरेट था। 50% से 60% क्वेश्चन बनने लायक था, मैंने जो विषय से तैयारी किया था, बाकी 40% थ्योरी से बना था। थ्योरी ज्यादा था, जो थ्योरी डीपली थ्योरी किया था उससे बनेगा। ये बताइए, मुझे पिछली बार पेपर लिखवा था, ये एक साल कैसा रहा, कितनी मेहनत की, घर वाले क्या कहे? एक साल तो तैयारी हम लोग किए हैं, थोड़ा बीच बीच में रुक रुक कर तैयारी किए हैं, लेकिन किए हैं लगता है। बन जाएंगे इस बार सिपाही? तब क्या बन जाएंगे, देखिए सीधे तौर पे कह रहा है कि बन जाएंगे सिपाही, क्योंकि क्वेश्चन इजी था। हमने अभिभावकों से भी बात की जो उनको लेके आया, सीधे तौर पे उनका कहना है कि पेपर बहुत अच्छा गया, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। बने रहिए हमारे साथ, अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।